असलम नाजरीन वेलकम बैक टू टी टाइम एक बार फिर आपको खुश कहती हूँ टी टाइम में अच्छा टी टाइम है तो हम हर बार जो है वो लाइट से गुफ्तु करते हैं आपको मिलवाती हूँ मैं आज कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे कुछ स्टार होते हैं या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो रिलेट करती हैं हमारे पॉलिटिक्स से तो ये सारे मेहमान तो मैं आपसे मिलवाती रही हूँ और आए भी हैं आप उनसे मिले भी हैं तो ये सारी चीज़ें एक तरफ आज मैं आपसे कुछ जो डिस्कस करना चाह रही हूँ वो बिलोंग करता है आपकी हमारे बच्चों की परवरिश पर ठीक है बज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को या अपने आ, हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं हम उन पर तवज्जो नहीं देते तोज्जो जब हम में किसी इंसान को हम तवज्जो नहीं देंगे ख़ासतौर पे पेरेंट्स की तवज्जो ना मिलने की वजह से या किसी भी दोस्त अहबाब की वजह से जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ठीक है ठीके, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी तो वो क्या होता है कि वो जो बच्चा है या जो इंसान है जो भी शख्सियत है वो डिप्रेशन में चला जाता है एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और जब इंसान एहसास कमतरी का शिकार होता है तो वो कुछ ऐसी आदतें अपनाना शुरू करता है जिससे उसको रिलैक्स फील हो खुद को रिलैक्स करने के लिए बच्चे हैं हमारे बड़े हैं ये बहुत सारे लोग हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं अब इससे किस हद तक वो पुरसकून रहते हैं खुद को रिलैक्स कर सकते हैं उससे अपने एहसास कमतरी को कम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज इसी तरह के कुछ लोगों को अपना गेस्ट मैंने किया है अपने मेहमान बनाया है अपने स्टूडियो में जिनसे हम जानेंगे कि इस ये सारी इडेक्शन्स ये महरूमिया ये सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान को मनशियात का आदि कैसे बना देती है ठीक है तो मेरे पास इससे रिलेट जो लोग मौजूद हैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं मोहम्मद यासिर शाह कोऑर्डिनेटर हैं ये और इसी से रिलेट जो है वो अभी तक इनके जो काम है वो कर रहे हैं तो इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ और जानते हैं इनसे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं अब तक कितने लोगों से इनकी तरह से मुलाकात हो चुकी है अस्सलाम वालेकुम यासिर कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा यासिर जैसे मैंने अभी बताया कि एहसास कमतरी महरूमी जो है वो इंसान को गलत तरफ ले जाती है बाज़ ऐसी ऐसा कमतरी आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से भी मिल रही होती है या कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पन भी आ जाता है या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत डोमिनेटिंग टाइप से होते हैं कुछ नहीं होते हैं नहीं। तो क्या कहेंगे आप इस पर बिल्कुल सबसे पहले तो आपके यानी चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ये एक तरह से एक हमारी सोसाइटी का एक इशू है और जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है नहीं। शुरू से लेके जैसे अभी आपने कहा कि पेरेंट्स की जो है अपब्रिंगिंग किस तरह वो यानी स्टाइल्स जो होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते उसकी अवेयरनेस नहीं होती नहीं। और फिर जब कोई भी बच्चा अपने यानी एडल्ट में आता है कौन कौन सी चीजें हैं जिसका प्रिकॉशन एज अ पेरेंट्स और एज अ चाइल्ड या एज अ एडल्ट हर किसी को लेना चाहिए हुँ. और जब वो नहीं लेता तो वो एडिक्शन की तरफ यानी चला जाता है और एडिक्शन की डिजीज में मुबतला हो जाता है सो so, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बयान करता चलूँ कि हमारी सोसाइटी में एडिक्शन को डिजीज के तौर पे नहीं एक्सेप्ट यानी करते उसको एक बैड हैबिट यानी कंसिडर किया जाता और इस ही की वजह से क्योंकि ये एक स्टिग्मा है तो बहुत सी फैमिली ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाती उसको दबाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से होता यह है कि वो और ज्यादा बीमारी एग्रीवेट होती है हाँ। उसको छूट मिल जाती है जो भी हमारा प्यारा है उस घर में वो नशे की यानी उसमें आदत में जो मुफ्तला हो गया है उसको छूट मिल जाती है उसके लिए राह फरार वो मिल जाती है। हाँ। अब आपने कहा कि शुरुआत कैसे होती है क्यों होती है के एहसास कमतरी तो देखें मेन जो रूट कॉज होती है अगर जो रिसर्च के अकॉर्डिंगली एडिक्शन uh, की वो शेम होती है एहसास कम तरी अच्छा शेम की यानी होती है कहाँ से होती है इसका इसकी शुरुआत हमारे अपने घर से ही हो जाती है बचपन से ही हो जाती है जब एक छोटा बच्चा होता है जब बात बात में माँ बाप हद से ज्यादा टोकते हैं हद से ज्यादा टॉन्ट करते हैं हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं हद से ज्यादा जो है आ, तेज आवाज में बात करते तो वहीं से एक फेयर एक डेवलप होना बच्चे में स्टार्ट हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है कमी है मैं एक मुकम्मल नहीं हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होता है सोसाइटी में दूसरे लोग भी दूसरी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं शेम को एग्रीवेट करने में और एक लेवल ये आता है कि एहसास कमतरी वो घर से एक फुलफिलमेंट एक हैप्पीनेस एक जब फुलफिल नहीं हो रही होती पियर प्रेशर होता है कोई ऐसी गैदरिंग यानी बनी हुई है जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो फला दोस्त है वो एक चीज का इस्तेमाल करता है और बड़ा खुश रहता है और वो जब चीज़ का इस्तेमाल करता है तो लोग उससे बड़े जो है एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं बैकडाउन जो है नेगलेक्ट चाइल्ड यानी एक फीलिंग मौजूद है मेरे अंदर तो कहीं ना कहीं पियर प्रेशर में उस चीज को ख़त्म करने के लिए मैं उस तरफ चला जाता हूँ अच्छा मुझे बताएं या कि कुछ जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ चले जाएं या कभी आप पार्क पार्क वगैरह में जाएं तो आपको जो छोटे छोटे एज के लड़के हैं लड़कियां हैं वो आपको स्मोकिंग करते हुए नज़र आते हैं आपको ड्रग्स लेते हुए नज़र आते हैं ये क्या एज अ फैशन है इसको फैशन की तरफ ले गए हैं क्योंकि

पूरी गैदरिंग में हर कोई कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा और उसको लेके रही कही कसर हम दोनों पूरी कर देंगे कि आपको बुली कर रहे होंगे यार आप तो कर ही नहीं सकते यार आप तो ये नहीं है तो कहीं ना कहीं बहुत दफा जो स्टार्ट इनिशियल यानी एडिक्शन की होती है वो होती ही स्मोकिंग से है और वही पियर प्रेशर छुप छुपा के या घर में देख के कोई पेरेंट्स में से अगर कोई करता है या खानदान में से करता है तो उसको देख के वहां से जो है क्रियोसिटी डेवलप होती है यार ये होता क्यों है कैसे होता है क्या इसका वो मिलता है और उस तरफ हम जो है ना कोई भी बच्चा जाता है सही अच्छा हमारे साथ एक और गेस्ट भी हमारे मौजूद हैं इसी आ, से रिलेट हैं हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सलामकुम सलमान कैसे हैं आप अच्छा सलमान अपनी गुफ्तु में आपको शामिल करूंगी आ, आप खुद भी इससे थे

लेकिन इसमें सेंटर का भी बहुत अहम किरदार है क्योंकि इससे पहले भी मेरे तीन से चार इलाज हुए हैं जिसमें मैंने इस बीमारी को नहीं समझा ना माना क्योंकि प्रोग्रामिंग नहीं थी अवेयरनेस नहीं थी और बस गए एडमिट हुए और कुछ दिन का डिटॉक्स कराया उन्होंने और उसके बाद देखो टीवी देखो इस तरीके की चीजें करो मतलब कोई अवेयरनेस नहीं थी कि बीमारी इससे कैसे निकला जा सकता है ना फैमिली को दी जा रही थी ना क्लाइंट को दी जा रही थी वो प्रॉपर वे नहीं दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप आ सकते हैं। बिल्कुल। सही। तो जब मैं परवर आया तो यही था कि बस तीन महीने के बाद जब मेरे घर वालों ने भी फैसला लिया इदारे के फैसले के साथ खड़े हुए मजबूत हुए टफ लग दिया मुझे मेरे फैसले मतलब उसमें मेरी रजामंदी नहीं थी लेकिन उन्होंने एक्शन लिए वो एकदम हाथ उठाए जो कि मेरी बेहतरी के लिए थे और फिर मैंने छ से आठ माह कंटिन्यू सेंटर में ही रहा छ okay. से आठ माह और घर भी जाता था आता भी था जब थ्री मंथ्स हो गए तो आफ्टर थ्री मंथ्स के बाद जब मैंने इस डिजीज को समझा इस बीमारी को माना तब्दीली नजर आई हुँ. तो उसके बाद मुझे सेंटर्स की तरफ से वीकली विजिट भी मिलना शुरू हो गया अच्छा तो मैं बारह घंटे के लिए चौबीस घंटे के लिए घर भी जाता था वीक में से. एक बार लेकिन ये आफ्टर फोर टू फाइव मंथ के बाद शुरू हुआ था सिलसिला okay. जब मैंने अपनी चीजें बेहतरी करने शुरू बेहतर की तरफ अच्छा, आया था अंडर एग्जीबिशन ही थे आप उनके जी ओके okay, क्योंकि शुरू में तो मैं बीमारी को मान ही नहीं रहा था ना ठीक है हो गया इलाज टाइम पीरियड को लेके बहुत ज्यादा एक वो था कि मुझे बंद कर दिया है कैद कर दिया है नहीं समझ पा रहा था चीजें लेकिन जब मैंने देखा कि ये जरूरी है बहुत क्योंकि नशा तो हम छोड़ देते हैं लेकिन जो नशे को जारी रखने के लिए जो रवैया अख्तियार किए हुए होते हैं ना मुबतला अच्छा है, है तो कर रहा है, जिस तरह से जो है उसको करने देते हैं मैंने बहुत सारी फैमिली ऐसी देखी है कि अगर उनका बच्चा कुछ स्मोकिंग कर रहा है या कोई ड्रग्स ले रहा है तो बहुत कम मैंने देखा है कि वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे जब तक वो तवज्जो देते हैं तो बच्चा पूरी तरह से उसमें हो चुका था करते थे, तब में और अब में क्या है? नशे के दौरान जो खूबसूरत रिश्ते होते हैं घर वालों के सबकी अहमियत मैंने खो दी थी और ये कह लें कि सिर्फ मैं होता था और मेरा नशा होता था मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं घर में क्या हो रहा है या माशरे में क्या हो रहा है मैं सिर्फ अपने नशे को देख रहा होता था, था कि मुझे नशा किस तरीके से हासिल करना है और कितना ज्यादा हासिल करना है तो मैं था और मेरा नशा था अब जब मैं रिकवरी की तरफ आया हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने वो सारी चीजें जो छोटी छोटी खुशियां होती है घर में सपोज कर लें कि मैंने कभी घर वालों के साथ बैठ के खाना नहीं खाया था ओके। तो जब मैं रिकवरी की तरफ आया तो घर वालों के साथ टाइम देना उनकी बातें सुनना अपने पेरेंट्स को टाइम देना तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगी मुझे अच्छा और फिर मजा आने लगा मुझे जिंदगी में जो कि एक एडिक्ट की जिंदगी से बहुत खूबसूरत जिंदगी है ये अच्छा रिकवरी की जिंदगी अच्छा तो आप जब ये कर रहे थे सारे काम तो आप क्या बिल्कुल ही माइंड आपका माफ हो चुका था देखे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा परेशान एडिक्ट खुद होता है इस चीज से एक टाइम आता है शुरू में तो उसको मजा मिल रहा होता है लेकिन एक टाइम आता है वो फंस जाता है इस चीज में और फिर उसको कहीं से मदद नहीं मिल पा रही होती है कि उसको कहीं से मदद मिले तो वो इन चीजों से बाहर निकले ओके। सबसे ज्यादा वो खुद तंग हुआ हुआ होता है इस नशे से लेकिन वो अपने लिए बेहतर फैसले नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसकी एक वजह ये होती है कि नशा जो है ना दिमाग को बिल्कुल डैमेज कर देता है क्या सही है क्या गलत है वो अपने लिए फैसले नहीं उठा पा रहा होता है तो इसीलिए फिर फैमिली का उसमें बहुत अहम किरदार है कि फैमिली अगर सही वक्त में सही जगह पे अगर ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाए

अभी जिक्र आप लोगों ने किया था स्कूल लाइफ का जी जी तो स्कूल लाइफ से ही इसकी आदत लगी थी मुझे और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आगे निकल जाऊंगा बस वो फांटिसी एक देखते 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 के नहीं। जैसे कि सर ने कहा के ये दोनों हम दोनों कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ तो, थीक, तो थीक। मैं जिस गैदरिंग में था वहां पे भी ऐसे ही था कि दो से तीन साथी कर रहे थे और हम दो साथी जो थे नहीं इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको देखा देखी वो फिर चीज हमें भी अट्रैक्ट हुई और हमने भी बोला यार हम भी ट्राई करके देखते हैं इसको मींस के टीनेज में ही आपने स्टार्ट कर दिया था जी 7th क्लास ओके अच्छा या फिर आपका जो ये सेंटर सा, है परवरिश कब स्टार्ट किया आपने किन से इंस्पायर होकर किया देखें परवरिश की जो बुनियाद है वो 2014 में यानी एक तरह से रखी गई थी अच्छा। उस वक्त लेकिन ये ادارा वजूद में नहीं आया था okay. वहां उस वक्त हम लोग आउटरीच काम पे काम कर रहे थे ज्यादा मतलब ये ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा जो है सोसाइटी में जाके कि भाई आपके प्यारे को इलाज की जरूरत है वो एक इस बीमारी में मुबतला है अक्सर और बेशतर फैमिली जो है टोटके कर रही होती है अच्छा एडिक्शन में कोई अगर उनका प्यारा होता है टोटके क्या होते हैं जो आपको सोसाइटीज में दिखेंगी कि ये नशे में पड़ा हुआ इसकी शादी करा दो ये जिम्मेदारी आएगी खुद छोड़ देगा ये इसके पास कोई काम धंधा नहीं है इसको कारोबार करा दो टोटके हैं। ये इनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो ये सारी अवेयरनेस एक सोसाइटी में 2014 से स्टार्ट की थी हम लोगों ने फैलाना देना और आ, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते थे से से, सेमिनार जिसमें प्रिवेंशन पे ज्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगाही दी जाती थी किस तरह से इससे बचना है साथ साथ टीचर्स को और जो है उनके पेरेंट्स को दी जाती थी कि कौन कौन से अलार्मिंग साइंस हैं कौन कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं आपके या फिर बच्चे के जो उस उनकी शख्सियत को मुतासर कर सकता है और उनको उस तरफ रागब कर सकते हैं और फिर जब यानी क्योंकि सोसाइटी में हमने फिर एक चीज़ की एक चीज़ यानी पाई कि एक अच्छा और बेहतरीन इलाज की कमी है यहाँ पर हमारी सोसाइटी में इदारे तो काफी खुले हुए हैं लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं प्रोवाइड नहीं किया जा रहा बहुत अच्छा, कम इदारों में मुझे यहाँ से ये बताएं कि जब आपने ये स्टार्ट किया आपके पास इन्फॉर्मेशन थी इसकी या आपने इसका स्टडी किया पहले जी बिल्कुल सारे यानी एक्सपीरियंसेस थे तजर्बात थे सारी चीजों को देखते हुए और फिर जब ये देखा जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि 2014 में हमने स्टार्ट किया और दो साल जब प्रिवेंशन पे काम करते रहे हम ये फैमिली को मोटिवेट करते रहे कि ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आए और हमने जब ये देखा कि ट्रीटमेंट क्या है सोसाइटी में तो वहां पर हमें एक एहसास हुआ कि ट्रीटमेंट नाम का ट्रीटमेंट है तो 2016 हजार सोलह बाकी इतने सारे सेंटर्स हैं पाकिस्तान में क्या ये खातर खा ये नहीं कर रहे सारे देखिए मेजोरिटी सब मैं सबकी यानी वो नहीं करता लेकिन ज्यादातर अक्सरियत जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ नहीं है क्यों नहीं है वो भी मैं आपको यानी यानी वो उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे की इसका ट्रीटमेंट होता क्या है तो दो में जो है ना यानी इसका आगाज यानी किया गया मलिर जो फैसिलिटी है वो हम लोगों ने यानी एक तरह से खोली थी अच्छा ट्रीटमेंट याद रखिएगा इसका कतन अक्सर लोगों के जहन में एक ये डेलिमा है कि इसका ट्रीटमेंट यही है कि उस शख्स को उठा के एक जगह बंद कर दिया जाए आप यकीन माने उस शख्स को सिर्फ बंद करना है सुलाना है उठाना है खाना देना है आप एक साल दो साल पांच साल भी कहीं किसी भी शख्स को रख लें कोई फायदा नहीं अच्छा तो इसमें कोई नहीं आएंगी। Changes नहीं आएंगी क्योंकि देखें जो जैसे सलमान ने भी कहा जो क्योंकि ये एक इसके डिजीज भी है मतलब की बीमारी भी इसको कहा जाता है रवैये भी खराब होते हैं सारी चीजें उन रवैयों पे काम जब हुआ ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा तो लोग मुब्तला ही तो रवैयों की वजह से हो रहा है ना मिसबिहेव की वजह से लॉकडाउन करने की वजह से हम स्टूडेंट्स को लॉकडाउन करते हैं को करते हैं आसपास हमारे बहुत सारे लोग होते हैं हम वो बहुत सुपीरियर भी होते हैं। लेकिन हमको उनको लड डाउन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे बिहेवियर बहुत जो है वो इंसान पे असरअंदाज होते हैं बिल्कुल और दूसरा ये ब्रेन डिजीज है मतलब ये कि एक, एक डिजीज बेसिकली क्या होता है डिजीज का दर्जा किसी भी बीमारी को कब दिया जाता है या तो इंसान के किसी बॉडी के ऑर्गन की फंक्शनिंग में या स्ट्रक्चर में जब चेंज आता है तो उसको डिजीज का दर्जा दिया जाता है सही। जैसे कि मिसाल के तौर पे शुगर है शुगर में स्पेसिफिक चेंजेस आती हैं कि वो शुगर बनना यानी हद से ज्यादा बन रही होती है तो वो शुगर का डिजीज में मुबतला होता है उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह एडिक्शन भी एज अ ये ब्रेन डिजीज है कि हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बेलेंस हो जाता है न्यूरो में चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वक्त जगह मकदार पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है okay. मतलब किस पहले मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ जो है रात के टाइम करता था हुँ. अब मुझे वक्त से कोई तयन नहीं है कोई वक्त का कोई वो नहीं है हुँ. फिकर मुझे हर वक्त करना है मुझे इस बात से फिकर नहीं पड़ती कि मैं अपने कजन की शादी में आया हूँ या मैं किसी की मैय में आया हूँ मुझे उससे पहले भी करना है उसके बाद भी करना है हुँ. पहले मैं एक मखसूस मकदार में करता था अब मुझे मेदार वो मेरे लिए काफी नहीं है मुझे और से और चाहिए और अच्छा, से और आईस्टा चाहिए। आईस्टा इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है बढ़ने वाली बीमारी है ओके। शुरुआत जैसे हमारी पहले बात हुई कि में होती होती है है स्मोकिंग से होती है। और ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि आ, स्मोकिंग के बाद फिर वो शख्स हैश की तरफ आता है जैसे हमारे माशरे में चर्च भी यानी कहते हैं उस तरफ आता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर या तो क्वांटिटी उसकी बढ़ती है या फिर जो है नंबर ऑफ ड्रग्स कंज्यूमिंग जो है ना उसके बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज है बढ़ रही है मिसाल के तौर पे पहले आपको जो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको हिट दे रही थी अब आपके ब्रेन केमिकल इम्बेलेंस हो गया है वो क्वांटिटी आपको वो हिट नहीं देगी आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको टाइप्स ऑफ ड्रग बढ़ाने पड़ेंगे सही और इसमें एक चीज और एड करता चल रहा हूँ जैसे सलमान ने भी कहा कि जब कोई भी शख्स एडिक्शन के उसमें होता है तो चार पहलू बुरी तरीके से मुतासर होते हैं किसी भी शख्स के बायो साइको सोशो स्पिरिचुअल जिसको मैं ऑडियंस के लिए और मुख्तसर और आसान करूं हुँ। दिमागी हुँ। जिस्मानी रूहानी और माशरती तो जो बात आपके सवाल के भाई सोसाइटी में इतने इदारे हैं कि वो नहीं दे रहे तो देखें अब जब ये चीज मुतासर हो रही है तो एक इलाज का भी ऐसी होनी चाहिए जो इन तीनों चीजों को बहाली की तरफ लेकर आए ले सिर्फ नशा छुड़ाना मकसद नहीं है अगर इन चारों चीजों पे चारों पहलुओं पे काम नहीं किया उसको बेहतरी की तरफ नहीं लेकर आए जब भी वो बाहर आएगा दोबारा नशे की तरफ लाजमिन जाएगा अच्छा नजर मैं एक ब्रेक लूंगी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बहुत अच्छी गुफ्तु है फिर इसको कंटिन्यू करेंगे स्टे विद अस टी टाइम विद कमर

ये किसी ने आपको इस चीज का एहसास दिलाया कि जी आपको जिंदगी की तरफ वापस आना चाहिए आ, वैसे तो मेरा अपना कोई जब मैं कर रहा था तो मेरा अपना कोई इरादा नहीं था इलाज कराने का लेकिन okay. जाहिर सी बात है घर में वालदा है मेरी वालदा अल्लाह पाक जो है हमेशा उनका रखे क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ की वजह से हूँ तो वो मेरे पीछे अक्सर जिस तरीके से आते जाते आ, बोलती थी कि बेटा बस करो क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे मुसीबत में कैसे देख सकती है तो मुझे बोलती थी और कहीं ना कहीं मुझे एहसास भी होता था लेकिन मैं इस बीमारी के आगे बेबस हो गया था चाहते हुए भी, भी चीजें सही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अकेला नहीं था मेरे साथ नशे का रिश्ता भी शामिल हो गया था जो कि बोलता था पहले सिर्फ मुझे देखो तो फिर अल्लाह पाक ने जो है थोड़ा सा वसाइल बनाए थोड़े से जहां मैं काम कर रहा था वहां पे मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी और मैंने कहा जी मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ फैसला मैंने खुद से लिया और मालूम ली तो परवरिश रिकवरी सेंटर घर वालों ने जो है मालूम नेट वगैरह के जरिए थोड़ा सा मालूम किया तो उनको पता लगा तो मुझे फिर लेकर गए वहां पर और जब चले भी गया मैं ट्रीटमेंट गया अपनी खुशी से था लेकिन वहां पे फिर जो है ना चीजें जैसे जैसे टाइम होता गया बस मैंने कहा यार बस हो गई अब कितना तीन महीने बहुत हो गया इलाज लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि बच्चा कड़वी दवाई नहीं पीता है नहीं। तो मुझे जबरदस्ती शुरू में कड़वी दवाई पिलाई पिलाई गई गई अच्छा और तो, तो फिर मुझे फायदा भी हुआ और मैं फिर आहिस्ता 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 वापस अपनी जिंदगी में आ गया जैसे जैसे मुझे मेरे रहनुमा मेरी काउंसलर्स कहती गई गाइड करती गई वैसे वैसे चलता रहा अपने काम ईमानदारी से करता रहा और फैसले और नतज हमेशा से हमारे जो उसद उन्होंने कहा कि अल्लाह की जात पे छोड़ो उस पर यकीन रखो तो उस, उसी पे छोड़े मैंने और अल्लाह पाक ने सारे मामला किए अच्छा ये बात बहुत अच्छी की बार दफा काउंसलिंग ना होने की वजह से भी लोग जो है वो उल्टी सी हरकतों में पढ़ जाते हैं अच्छा आ, यासर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि एक इंसान जो है उस डिसीज में मुबतला है ठीक है वो ये समझते हैं कि इसको कोई भूत चिपक गए कुछ इसको जिन्नात हो गए हैं हैं इस किस्म के केसेस भी आए आपके पास बिल्कुल बहुत आते हैं और ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी अच्छा। में ये एक टर्म एक स्टेज होती है क्योंकि देखे क्यूँकी पहले जो डिस्कस हुआ प्रोग्रेसिव डिजीज है क्वान्टिटी मकदारें बढ़ रही है नशे की और एक वक्त आता है स्पेशली आजकल जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो गया बहुत बढ़ रहा है नशा आइस वैथ एम्फेटामाइन आपने सुने होंगे केसेस वगैरह उसमें वो कुछ नशों में ऐसी यानी सलाहियत होती है जो आपको साइकोसिस की तरफ ले जाती है किसी भी इंसान को okay. जिसको एक टर्म यूज की जाती है ड्रग इंड्यूज साइकोसिस ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, साइकोसिस बेसिकली क्या होती है कि नशे का दिमाग पे ऐसा असर जिसने उसकी सोच सोचने समझने की सलाहियत या मैं आसान अल्फाज में कहूँ चीजें रियलिटी से हटा दी Okay. फिर उसको वो चीजें दिखाई देती हैं जो हकीकत में नहीं होती okay. उसको वो वो आवाजें सुनाई देती हैं जो उसमें नहीं होती। hmm. उसके वो बिलीव ऐसे बन जाते हैं ऐसे यकीन बन जाते हैं जो जिनका कोई सरो पैर नहीं होता ah. तो जब ये फैमिली ये कंडीशन देती देखती है और उसके पास अवेयरनेस नहीं होती hmm. एक चीज तो होती है इससे सुना है भूत का इससे सुना है ज, hmm. जादू टोने का तो वो उसी तरफ जाती है पहले और बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि ये सारे टोटके के पहले जिन बुद्ध बाबाओं के पास मज़ारों पे ले जाती हैं जब वहां से नहीं होता तो फिर आती हैं क्योंकि कोई भी देखें बीमारी हो बीमारी का इलाज होता है बिल्कुल कोई भी बीमारी हो कोई भी डिजीज हो टोटको से उससे नहीं है प्रॉपर हल तो ऐसे काफी यानी केसेस आते हैं और फिर उस उसमें होता ये बेसिकली की जो दो मरहले यानी जो है ना एक ट्रीटमेंट के होते हैं एक प्राइमरी जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये कि मेरे जिसम में नशे की इतनी अब मुझे जो है डिपेंडेंसी हो गई है कि मैं अब नशा अगर छोड़ता हूँ तो मुझे विड्रॉल सिम्टम होते हैं ओके तो वो विड्रॉल्स को कंट्रोल करने के लिए टॉक्सिन्स वगैरह यानी जो होते हैं वो निकालने के लिए मेडिकेशन की हेल्प ली जाती है तो पहला मरला होता है डिटॉक्सिफिकेशन का वो टॉक्सिन जितने हैं वो सारे निकले दूसरा मरला आता है फिर जो बहुत अहम यानी ट्रीटमेंट का होता है कि प्रॉपर काउंसलिंग रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है रिहैबिलिटेशन हमारे समाज में बदकिस्मती से ले लिया है कि उठा के कहीं पे बंद कर देना हम्म कथन रिहैबिलिटेशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा कुछ है। ऐसी जगहों पे मैंने देखा भी है कुछ सर्च भी किया है कि एक बंदा जो इस डिसीज में बहुत ज्यादा मुतला है आप उसको उठाएं और उसको बंद कर दें हुँ. बिल्कुल तो ये ऑलरेडी अपनी तन्हाइयों से महरूमियों से जो है वो जूझ रहा होता है मजीद उसको उठा सिर्फ बंद करना मकसद नहीं है प्रॉपर रिहेबिलिटेशन क्या होती है कि वो सारी चीजों की आगाही देना कि डिजीज है प्रोग्रेसिव डिजीज है वो बिहेवियर्स की पहचान कराना वो वन टू वन सेशन वो काउंसलिंग सारी चीजें करना उन सारी चीजों को ठीक बेहतरी की तरफ लेकर आना एक प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए जो शुरू में बात हुई कि इस डिजीज का जो इदारा कोई भी अगर आपका प्यारा किसी इस बीमारी में मुबतला है आप चाह रहे हैं कि इसको इलाज की तरफ लेकर आए तो देखें तीन चार चीजें आपको जो है लाजमन चाहे आप पीआरसी परवरिश रिहेबिलिटेशन आए या आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने पे भी जाते हो आपने एक क्राइटेरिया सेट करना है अपना है कि मैं अपने प्यारे को इलाज काम में डाल रहा हूं तो ये चीजें होनी चाहिए जैसे हमने डिस्कस किया कि चार पहलू मुतासर है तो चार पहलू को बहाल करने के लिए एक प्रोग्राम होना चाहिए ये नहीं है कि सिर्फ सुलाया उठाया ठीक है नशे का मसला बाद में यानी आता है सबसे पहला जो नशे की वजह से जो बिगाड़ बिहेवियर्स में आ जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाते अच्छा, हैं किस है। किस्म के बिगाड़ आते हैं बिहेवियर बिल्कुल है। सबसे पहला रूटीन कोई नहीं होती सोने की उठने अच्छा। की कोई वो नहीं है रातों में जागना दिन भर सोना फिर अपनी मर्जी से उठना खाने पीने की वो नहीं होती कोई तरतीब नहीं होती

चालबाजी करना गलती करके नहीं मानना मैं आना कड़पन मेरे अंदर थी और ये तमाम रवैये मैं सिर्फ अपने नशे को जारी रखने के लिए इस्तेमाल करता था ओके। okay. अपनी गलतियां छुपाने के लिए और अपने नशे को जारी रखने के लिए ही इस्तेमाल करता था हम्म देखिए आप इंसान एक छोटी सी डिसीज की छोटी सी बहुत बड़ी डिसीज है ये इसकी वजह से कितना ज्यादा चेंज हो जाता है अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसका ऑप्शन देखें उसमें फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन होती है रिहेबिलिटेशन में चारों पहलुओं को सही करना होना सिर्फ सुलाना उठाने डिटॉक्सिफिकेशन अगर मैं सिर्फ अपने इतारे की बात करूं तो प्रॉपर एक एजुकेशनल प्रोग्राम है okay. जिसमें आगाही दी जाती है प्रॉपर क्लासेस होते हैं जो जैसे सलमान भाई ने भी कहा कि एक रूटीन बिल्कुल आउट होती है तो एक रिहेबिलिटेट किया जाता है एक अच्छी एक हेल्दी रूटीन में डाला जाता है जिसमें अगर उनकी रूटीन दोबारा से रीमेंटेन की जाए एग्जैक्टली एक हेल्दी लाइफ की तरफ लाया जाता है जिसमें अगर मैं अपने उसकी बात करूं तो सुबह साढ़े सात बजे से लेकर रात ग्यारह बजे तक का एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है एक्टिविटीज है ऐसा ही नहीं है कि बस डाल दिया बंद कर दिया भूल भूल गए खाना दे दिया टाइम पे टीवी देख लो कोई फायदा नहीं सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है उसके बाद साइको एजुकेशन ग्रुप होते हैं प्रोसेस ग्रुप होता है शेयरिंग ग्रुप होता है नशे से होने वाले नुकसान करते हैं टू सेशन सेशन होता है है अच्छा। क्योंकि family, तो क्या है वो आप क्या वो आप लोगों के सेशन होते हैं उस रूट कॉज की तरफ जाया जाता है की तरफ जाया जाता है ट्रिगर्स आइडेंटिफिकेशन okay. होती है okay. ट्रिगर्स okay. बेसिकली क्या होता है की एसोसिएशन में हर इंसान ने बनाई हुई होती है मतलब ये की जब भी वालदेन जो है ना मुझे डांटते थे तो जब भी मुझे डांट पिटती थी गुस्सा आता था तो मैं नशे का इस्तेमाल करता था तो उस का जो है जो है है एसोसिएशन एक तरह से से वो वो गुस्सा और रिलेशनशिप है अगर उस चीज को हल नहीं किया गया फैमिली की काउंसलिंग नहीं की गई तो दोबारा फैमिली वही रवैया अपनाएगी दोबारा वो प्रोसेस अगर उस चीज को उस शख्स ने नहीं किया तो वही एक ट्रिगर बनेगा कि ओह पहले जब मैं था ये इस तरह की फीलिंग आउट होती हाँ थी, हाँ। थी तो मैं रिलीफ के लिए नशे की तरफ जाता था अच्छा तो या आप भी कहते हैं कि न सिर्फ उस बंदे की काउंसलिंग करें साथ में फैमिली की, फैमिली की भी काउंसलिंग बहुत जरूरी है बिल्कुल सही आपके पास फैमिलीज आती हैं जो बिल्कुल एक बंदे को निगलेक्ट कर दिया छोड़ दिया जी खुद ही ठीक हो जाएगा बिल्कुल ऐसा भी है बहुत सी फैमिली देखें ऐसा ऐसे इस माइंडसेट से हमारे पास आती है कि इसको हम सजा देना है बंद करवाने आए हैं तो वहां से हाँ, और क्योंकि फिफ्टीन डेज के बाद जो फर्स्ट मुलाकात यानी होती है जब फैमिली बुलाते हैं तो इतना ज्यादा एक तरह से गर्ज होता है फैमिली के दिल में कि बोलते नहीं हम नहीं मिलना आना चाह रहे तो वहां पे फिर फैमिली पे काम हमें यानी करना होता है कि भाई बताना होता है फैमिली को भी इस डिजीज के बारे में बताना होता है देखें ये जो आपका प्यारा है इसको ओवरपावर उस एडिक्शन ने किया है अगर वो चीज हटा दी जाए तो आपका प्यारा बहुत यानी अच्छा है आप भी बहुत बहुत दफा पेरेंट्स की गलती होती है जैसे आपने शुरू के प्रोग्राम में कहा कि पेरेंट्स नहीं नहीं देखते वो बिल्कुल है। तो है होते हैं घर में ही एक इनेबलर का रोल होता है कोई भी जो अदा कर रहा होता है वो किसी घर में बाप भी होता है किसी घर में वा, यानी वालदा भी होती है किसी में भाई हो सकता है एक्स वाई जेड उसका काम बेसिकली क्या होता है कि वो उन सारी चीजों को छुपाता है उसकी कि कोई बात नहीं चलो बच्चा है, समझ जाएगा, भाई ये कर लेगा उसकी तो पर्दे पर्दे कोई कोई मौजूद होती है बिल्कुल <laughs> और एक होता है प्रोवोकर प्रोवोकर क्या कहता है जो तेज दिलाता है बार बार जो है टॉन्ट करता है बार बार जो है बेजत यानी करता है ये दोनों ही जो है खतरनाक होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको उसी चीजों में बार बार प्रोवोक कर रहा है वो कर रहा है सारी चीजें तैश दिला रहा है तो वो ट्रिगर होता है इंसान और एक जो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस करने नहीं दे, दे पा रहा तो वो उस चीज को बढ़ावा मिलता है कि ये तो कोई मसले आली बात नहीं है नहीं। मैं पड़ोसी से पैसे लेकर आया था और जो है वो जब घर पे मांगने के लिए आया भाई ने दे दिए अब किसी दूसरे पड़ोसी से लेकर आऊंगा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा घर पे आके शोर करेगा भाई फिर जाके दे देगा कोई मसले वाली बात ही नहीं है सही तो वो वहां से आगे की तरफ यानी यानी जाते हैं कि वो कम होने के बजाय वो चीजें मजीद बढ़ती चली जाती हैं। अच्छा सलमान इस किस्म की कुछ हरकतें आपने भी की हैं? बहुत हैं क्या बताऊं मैं आपको कुछ हमसे शेयर करें देखें जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नशे को जारी रखने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाता था Okay. क्योंकि उस टाइम तकलीफ हो रही होती थी और मुझे कुछ नहीं दिख रहा होता था कौन है सामने या हुँ। कौन नहीं है हुँ। मेरा सिर्फ एक ही टास्क होता था मुझे नशा हासिल करना है और कैसे भी हासिल करना है तो बहुत सारे वाक्यात हुए ऐसे बाहर किए हैं घर में किए जब एंड में इंसान बेबस हो जाता है ना तो फिर वो सारी चीजें कर रहा होता है कुछ भी करने को तैयार हो जाता है Means कि वो इतना उस पर प्रेशर होता है इसका कि वो कुछ भी करने के है है। अच्छा लिए तैयार हो बिल्कुल अच्छा की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है तो आप लोग का कुछ है सेशन करते हैं आप लोग पेरेंट्स के भी बिल्कुल जो जब ट्रीटमेंट में यानी एक आता है तो एक प्रॉपर पूरी फैमिली को लेके चल रहे होते है सिर्फ okay. मरीज पे ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली को भी जो है ना वो काउंसिल होते बहुत दफा ऐसा भी होता है केसेस में कि के देखें कोई रिजाइनमेंट यानी होती हैं उस शख्स को अपने पेरेंट्स को लेके अपने भाई को लेके जो कि बचपन में निगलेक्ट हुआ हमेशा एक मिसाल है मेरे उसमें वो है कि भाई को जो है ज्यादा अहमियत दी मुझे नहीं दी हुँ। तो हुँ। उस चीज को प्रोसेस कराया जाता है ओके। और एक जो है अगर जब वहाँ पे जरूरत पड़ती तो एक को ज्वाइंट सेशन होता है स्टेबिलिटी देखते हुए जहाँ पे काउंसलर क्लाइंट और वो फैमिली मेंबर जो रिजाइनमेंट हैं वो प्रोसेस यानी कराई जाती है ताकि वो सारी जो भी गर्जेस जो भी रिजेंटमेंट्स हैं वो प्रोसेस की तरफ आए अगर वो प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर वो दोबारा से उसका रिलैप्स का बाइस बन सकता है ओके okay. तो एक प्रॉपर एक अच्छे इलाज का कि देखें इलाज शुरू में बात यानी रह गई कि क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है हुँ. तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर हो okay. रिहेबिलिटेशन सेंटर कतन याद रखिएगा सिर्फ दवाइयों से इसका इलाज नहीं है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों से इलाज नहीं है अच्छा। ट्रीटमेंट का हिस्सा जरूर है, ठीक। उसके बगैर इलाज मुमकिन भी नहीं है लेकिन उसके साथ जो मेन होता है काउंसलिंग का गाइडेंस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो किसी भी आप इदारे का इंतखाब करें सबसे पहले देखें कि आप वहाँ पे कोई प्रोग्राम है सुलाने उठाने वाले काम तो नहीं है क्या एक प्रॉपर हेल्दी जो है रूटीन है क्या एजुकेशनल की मैं बात कर रहा हूँ आया, आया? एक एक okay. अपनी, अपनी तो मैं आई कैब सर्टिफाइड हूँ हमारी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है हमारे इधारे की अपने जितने भी इम्प्लॉय हैं उनको इंटरनेशनल जो है एथिकल बेस्ड जो है ना प्रैक्टिसेस जो है ना हम लोग इम्प्लीमेंट करें आई okay. कैप क्या है इंटरनेशनल सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल मतलब ये यू एन जो है एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है एडिक्शन उसका ट्रीटमेंट का कि भाई कोई भी फैसिलिटी अगर इसको ट्रीट कर रही है तो उसको ये ये चीजों पे जो है ना ध्यान देना है तो उसकी ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं उसकी एजुकेशन होती है और उसको फिर अपने उसमें इम्प्लीमेंट यानी करते हैं तो आप ये देखें कि भाई कोई प्रोफेशनल डिग्रीज प्रॉपर ये सर्टिफिकेशन है उस इधारे में दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या जो बोला जा रहा है वो इम्प्लीमेंट भी हो भी रहा है हो या है नहीं? नहीं क्योंकि अब आप देखें कि बहुत सारे इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी आप मरीज देख लें वहां चले जाए एक तो उनका माहौल बहुत और टाइप सा होता है ठीक है आपको वहां पे मरीज बंद मिलेंगे और वो जो बंद बंदा होता है वो ऑल और, और जा, बहुत ज्यादा जो है वो उसके अंदर चीजें डिवेलप हो रही होती है कि जी मुझे क्यों बंद कर दिया गया तो माहौल भी बहुत ज्यादा बेस्ट करता है तो क्या इन्वायरमेंट है आप लोगों की परवरिश का ये सारा सो so बेसिकली उसमें जैसे आ, मैंने शुरू में बात की कि दो सेगमेंट्स होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का एक सेपरेट जो है ना एरिया है क्योंकि उस वक्त जो है विड्रॉल्स में यानी क्लाइंट यानी होता है तो उसके सेपरेट यानी शुरू इनिशियल फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज जो है क्लाइंट को एक सेपरेट जो है ना

नशा जब उसके उसको नहीं मिलेगा जो डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ शुरू के बाद और नहीं मिलेगा तो वो उसके लिए जिंदगी मौत वाला हिसाब है कि या तो मेरा नशा दे दो या मुझे रिलीफ दे दो जो मुझे ये दर्दे वगैरह हो रही है और यही वजह है जैसे सलमान ने भी कहा कि लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं और यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज वगैरह और ये सारी चीजें उसमें भी लोग मुब्तला हो जाते हैं क्योंकि नशे के लिए पैसे चाहिए मेरा कोई रोजगार तो है नहीं तो इस तरह की एक्टिविटीज से मुझे नहीं फर्क पड़ता सही है या गलत है मुझे बस पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो ना नाजर आज जो हमने बात की वैसे तो हम गपशप करते हैं लाइव तो मैंने सोचा कि आज कुछ अवेयरनेस भी आपको दी जाए क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत कम एज के जो बच्चे हैं जो टीन हैं हमारे स्कूल गोइंग भी हैं तो स्मोकिंग की तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है तो मैं ये समझती हूँ कि ये गलती पेरेंट्स की है ठीक है आप कोई काम कर रहे हैं आप कुछ कर रहे हैं तो आपको चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है खासतौर पे अपने बच्चों के लिए आप चेक एंड बैलेंस लाजमी रखें ये जरूर देखें कि आपका जो बच्चा है अगर वो कहीं गया है या उसका कोई स्कूल है कॉलेज है कुछ भी है तो उसकी डेली की एक्टिविटी उससे जानने की जरूर कोशिश करें कि उसने किया क्या है हमारे जो पेरेंट्स है वो करते क्या है कि जी बच्चा गया था स्कूल ठीक है गया नेक्स्ट डे फिर चला जाएगा बस ये एक्टिविटी है तो आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें तवज्जो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो बच्चे एहसास कमतरी की तरफ जाएंगे और एहसास कमतरी में फिर बच्चे उल्टी सीधी चीजों में मुब्तला हो जाते हैं इलेक्शन में चले जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि अः वालदेन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे अः या सिर थैंक यू सो मच आप आए सलमान आपकी रियलिटी बेस्ड बातें है सुन के बहुत अच्छा लगा अच्छा यासिर सिर कोई एक छोटा सा मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहेंगे Uh, मैं यंगस्टर्स स्पेसिफिकली uh, यंगस्टर्स को तो नहीं मैं पूरी सोसाइटी को देना चाहूँगा देखें अगर आप इर्द गिर्द अपने किसी भी इन्वामेंट में देखें कोई इस बीमारी में मुबतला है तो उसको सपोर्ट करें उसको हिकारत की नज़र से ना देखें क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम वो इस बीमारी में मुबतला है उसको इलाज जो है ना मुहैया कीजिए ना कि निगलैक्ट करें उसको बिल्कुल जी फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है सलमान हमारे साथ है सलमान आपको कोई लास्ट मैसेज जो आप अपनी पब्लिक को यंग को यंगस्टर्स सबको देना चाहते हैं वैसे तो सर ने बहुत अच्छी बात करी कि नशा एक बीमारी है और इसको हिकारत की नजर से ना देखी जाए उसकी मदद की जाए उसका बैठ के उससे बात की जा सकती है कि हाँ भाई क्या मसले हैं आपके क्या वजुहत है क्योंकि नशे का मरीज जो है उससे अगर आप बात करें प्यार से तो वो प्यार से बात आपकी सुनेगा जिस तरीके से कहा कि उसको आप हिकारत की नजर से या गुस्से से या कोई टोंड मारते रहोगे तो वो और ऐसा कमतरी का शिकार मजीद होता चला जाएगा और यही अगर आप उसको लेके बैठोगे अपनी उसके साथ बॉन्डिंग बनाओगे तो शायद हो सकता है वो आमादा हो जाए जिस तरफ आप उसको लेकर आना ले चाह ले रहे हैं क्योंकि जब आप उसके मसले सुनेंगे उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे कोई सुनने वाला है मेरी बात कोई मानता है सुनने वाला है तो फिर वो उस पर आने की तरफ होता है बिल्कुल ठीक देखिए मरीज कोई भी है उसको कोई भी डिजीज है आप उसको प्यार मोहब्बत से अपने रवैये से आप उसको ठीक कर सकते हैं यकीन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया था मैंने सो so, फीडबैक uh, जरूर दीजिएगा मुझे जरूर बताइएगा कि हमारे इस गपशप में आपको कितना अच्छा लगा कितना अवेयरनेस आपको मिला सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए से अल्लाह हाफिज